पे सामने यहाँ पे ये क्या बना ये ला सर लेफ्ट में ऊपर भाई इधर सेकंड पार सेकंड पार सर सामने बहुत अच्छा दिस क्या लगा इससे सामने एकदम ऊपर क्या थोड़ा लेफ्ट में सामने ऊपर क्या हाल है भाजी? मैं बढ़िया। हाँ जी भाई, कमान ये हाथ में आ गई है, मतलब ये तो आज की शाम होस्ट कर रहा हूँ ये स्टार स्क्रीन अवार्ड्स इंडिया की नंबर वन रात है आज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ होस्ट करने के लिए, पहली बार ये स्टार स्क्रीन अवार्ड्स हैं जो होस्ट कर रहा हूँ। रेडी रेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत सी मस्ती होने वाली है, फन होने वाला है, हंसेंगे खेलेंगे और बढ़िया परफॉर्मेंस देखेंगे और जो भी नॉमिनीज हैं, जो भी विनर्स हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे। सो रेडी रेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग। मैं बहुत ही एक्चुअली मैं सच बताऊँ मैं ऋतिक सर की परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं शाहिद की परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं। कृति इज़ परफॉर्मिंग, कियारा इज़ परफॉर्मिंग, नौरा इज़ परफॉर्मिंग, लॉट ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग। सो आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेज एंड जस्ट हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग। आई रियली होप एंड प्रे दैट यार छिछोरे को अवार्ड्स मिले, बिकॉज जो प्यार छिछोरे को मिला इज जस्ट बिन फिनोमिनल। और लाइफ मेरी लाइफ की बहुत ही करीबी फिल्म है छिछोरे, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं खुद नॉमिनेट हुआ हूँ इस साल, तो देखते हैं कि अगर अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता, बट आई वेरी हैप्पी दैट आई गॉट नॉमिनेटेड एंड आई एम श्योर आई होप दैट द फिल्म विंस अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। What's next? Ruhi Afza is the one that the next release is going to be Ruhi Afza, which is a film which is being directed by Hardik Mehta. It has Rajkumar Rao, Janhvi and me. It's a horror comedy. Dinesh Vijan aur Mrigdeep Singh Lamba ne produce kari hai film, Mad Dog Productions ki hai. To April mein ye film aayegi. होती है भाई, बिल्कुल प्लानिंग होती है। मैं क्रिसमस पे अपने फ्रेंड्स के साथ, इस बारी मैं क्रिसमस अपने फ्रेंड्स के साथ मना रहा हूँ। वी आर प्लानिंग टू टेक एक छोटी सी वेकेशन के लिए, हम प्लान करें, डिसाइड नहीं करी है जगह, क्योंकि कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे तो ठंड बहुत थी और कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा कपड़े पहनोगे उतने ज़्यादा हैप्पी लगोगे, तो अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है। बट क्रिसमस मेरे फ्रेंड्स के साथ है इस साल का, और जो न्यू ईयर्स है वो हर साल की तरह मैं अपने मदर और सिस्टर के साथ घर पे ही बनाता हूँ। तो जो न्यू ईयर्स है वो फैमिली के साथ होगा और क्रिसमस दोस्तों के साथ होगा। पूरा फुकरा छिछोरा सब अंदाज में होगा। जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो मतलब हर चीज़ छिछोरे हो जाती है, सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ भी छिछोरी चीज़ हो जाती है, बट अच्छे हार्मलेस छिछोरे स्टाइल में होगा। बहुत ही खूबसूरत रहा है यार, मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छा मेरा ये साल रहा है। मेरी तीन फिल्में खानदानी शफाखाना, अर्जुन पटियाला और छिछोरे, ये तीन फिल्में मेरी इस साल रिलीज़ हुई थी एंड इट्स बिन जस्ट ग्रेट जिस तरह का प्यार लोगों ने दिया। एंड लुकिंग फॉरवर्ड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर 2019। बहुत ही एक नया नाम भी दे दिया इस साल ने, इस साल में मुझे चूचा के बाद अब सेक्सा एक और जो नाम है वो आ गया है ज़िंदगी में, किरदारों में जुड़ गया है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड 2020 में आई होप ऐसे ही एंटरटेन कर सकूँ और किरदारों के नाम जो अपने साथ जोड़ने की कोशिश रहेगी। न्यू ईयर विश रेडी। हाय मैं हूं वरुण शर्मा और आप सभी को हाय, दिस इज वरुण शर्मा एंड विश यू हाय, दिस इज वरुण शर्मा एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। यहां पर विजुअल्स विजुअल पॉज साइड साइड ओ मैडम एक सेकंड साइड साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ राजेश एक सेकंड आइए थोड़ा पीछे आओ आगे पूरा पीछे आओ भाई ओके ओके दोनों भी हां पैर के अंदर आ दो भाई
सामने ऊपर आप लोग कैसे हैं? All good. Well, tonight I'm performing, so I'm hoping it will be good. Hopefully, everyone will enjoy my performance, and I think it's going to be a star-studded, glamorous evening as usual. Yes. So, आप किस किस गाने पे परफॉर्म कर रही हैं? हो सकता है साकी साकी वन वन के पास. So obviously Saki is there, okay. Right? And we're also introducing one of the new songs from Street Dancer. So that's also going to be there. So I'm really excited for that. And of course, Ek To Kam Zindagani is one of the songs. And yeah, it's going to be a power-packed performance. 7 minutes. And yeah, I'm looking forward for Hrithik Roshan's performance. Yes. So 2018 was huge for me, and 2019 is also very huge.
Of course, Saki Saki is a chart buster and people received the choreography so well. And of course, my role in Batla House was received so well, and I was really proud of that achievement for myself. And now Street Dancers coming out soon. That's also a huge milestone for me. And I'm just so grateful. Yeah, the love and the support from everybody is just growing day by day. Thank you. So I'm debuting a Moroccan traditional kaftan, and it's something that's really close to me. It's designed by Mirim Bekhayat, and I just love Moroccan kaftans. I think they're really beautiful, very glamorous, and very elegant, and I hope that we can see more of that on the red carpet in Bollywood. Yeah. So, Nora, it seems that after Batla House, now even in Satyam Eva Jayate, we can expect a role from you, isn't it? Oh, I don't know. You're going to have to ask Milap, sir. Are you hoping for it? Because people have appreciated your Batla House. Yeah, I'm very appreciative for that. Thank you. No, but you'll see me in Street Dancer, acting and dancing, which is going to be superb. And then obviously we'll have another film announcement where you'll see me acting again. And I'm looking forward. Yes. Thank you so much. Thank you so 2020 plan? Haar dungi. Christmas ka plan? Just promotions. I'll be promoting Street Dancer and the new song in Street Dancer. Yes. Work. Okay. Center, 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 center
Good evening. Hello. 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 Good evening. Hi. From the evening, well, I expect to have a lot of fun. बहुत मजा आने वाला है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। But भाई आपकी फिल्म पकड़ा पाले उसको भी मतलब काफी नो there is a buzz around, but it's like when is it coming and how is it going? So promotions में busy हैं आजकल। Promotion शुरू हुई है, so हाँ थोड़ा बहुत busy रह रहे हैं, but third giant it's releasing now and फिल्म को लेके काफी excitement है हमारी। I hope audience also likes it. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरा डेब्यू है, सो ऑब्वियसली आई एम रियली रियली हैप्पी। और आई थिंक सनी के साथ काम करना, पूरी टीम के साथ काम करना बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। एंड या आई होप यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑन 3rd Jan। Yes, of course. Yeah, literally. Yeah, I don't know, it's just you know what the film did for everyone, and it was very special, you know. And Aditya, man, is such a special guy, the guy who Aditya who directed Uri, and kisi ne expect nahi kiya tha basically jo film ne kiya hai, and it's just very proud feeling that I get, you know. Thank you so much. Thank you guys. सब कुशल मंगल। बिल्कुल सब कुशल मंगल। बहुत ज़्यादा, जिस तरह से एक्चुअली रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है, मतलब आई एम रियली स्टंड एक्चुअली रिस्पॉन्स देखकर। आई मीन आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स, शब्दों में जाहिर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई एम जस्ट सो एक्साइटेड एंड सो ओवरवेलम्ड विद द होल थिंग। Excitement and nervousness has merged and become a massive emotion for me, you know. Ma'am, agar aapki baat kare to Panipat mein people are appreciating your role, they are appreciating your part. What do you want to say about it? Matlab it was after a break that you came back into scene, so what do you want to say about it? Yes, I'm happy, I mean, that in such a small part people are liking what I have done. Matlab people are calling out to me as Gopika bhai, so it feels great. Priyanki, you know, aapki family mein dekha jaye to जी प्रेशर है आपके ऊपर, आपकी फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, इतना प्रेशर सर? प्रेशर नहीं कहूँगा सर, क्योंकि प्रेशर में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, यू नो। आई जस्ट वांट टू बी पॉजिटिव, और मैंने ये पहले भी कहा है कि इफ़ आई कैन बिकम हाफ द एक्टर माय मॉम इज, आई थिंक आई एम ओके। शूटिंग के दौरान कुछ टिप्स लेते हैं आपकी, आज ये शेड्यूल होगा टिप्स नहीं, पर व्हाट मॉम सेड बेसिकली इज जस्ट बी नेचुरल स्पॉन्टेनियस, और कैलकुलेशन मत करना। मतलब अगर एक सीन करना है या कुछ रिएक्शन देना है तो उस रिएक्शन के हिसाब से ये रिएक्शन देना है, वो कैलकुलेशन मत करना। सो दिस इज समथिंग दैट आई टुक एंड आई काइंड ऑफ इनकल्केटेड। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? मैं उम्मीद ज़्यादा रखती नहीं, बट पॉजिटिव हूँ, और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है तो ऑब्वियसली फिर थोड़ी सी उम्मीद बढ़ती है, और मुझे लगता है काफ़ी उत्सुक है लोग ये फिल्म देखने के लिए। जहाँ जहाँ अभी प्रियांक जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए, जिस तरह से प्यार मिल रहा है इसको, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या किधर है टीवी नहीं? नीचे जा रहा है।
कुंभाड़ नु द्वारा अरे रुक जा भाई, रुकना हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? तुम्बाड़ कैसे लेके जाएगा यार, तुम्बाड़ तो पिछले साल आई थी, भी स्पेशल ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुम्बाड़ को दोबारा आप दे दो अवार्ड। तो गली बॉय से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं यार, आर्टिकल 15 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आई होप ये फिल्में बड़े अवार्ड्स जीते हैं इस बार। जिस तरीके से कंटेंट का भी साल रहा है, हाँ राइट, स्टार्स राइट यार, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि नहीं, तो एक ही तरह की फिल्में देख रही थी ऑडियंस, अभी अलग अलग तरह की फिल्में देख रही हैं, नया कंटेंट आ रहा है, बाला आई, आर्टिकल 15 आई, और बहुत ही एक्सेप्टेंस आ गई है हर तरह की फिल्म की। तो क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत आज़ादी हो गई है, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, और इतने OTT प्लेटफॉर्म आने से बहुत काम बढ़ गए। तो ये एक फिल्म जो एक फील्ड है जो बहुत ही लोगों को अनसिक्योर लगा करती थी, मुझे लगता है बहुत ही लेजिटिमेट हो गई है कि ये भी एक सिक्योर बिजनेस है, ये भी एक सिक्योर प्रोफेशन है। तो मैं बहुत खुश हूँ यार, कंटेंट ड्रिवन फिल्में चल रही हैं और मुझे लगता है कि आगे भी चलती रहेंगी। थैंक यू। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज आपके नॉमिनेशंस भी है, आपके गाने जो लोगों ने तो इतना पसंद किया ही है, बट आज नॉमिनेशन तो बड़े एक्सपेक्टेशंस होंगे। नो एक्सपेक्टेशन, आई थिंक इससे अच्छा बर्थडे नहीं हो सकता है, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके साथ कैसे हुआ बनाया वो है मनोज भैया, एंड देर इज़ वैलिडेशन हैपनिंग। वैसे भी लोगों ने इतना प्यार दिया है और उसके बाद इस तरीके का वैलिडेशन मिलता है, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। इट्स बीन क्रेजी, आई हैव रिलीज 27 ट्रैक्स दिस ईयर एंड इट्स बीन ब्यूटीफुल एंड आई होप 2020 भी ऐसा ही रहे। आज बर्थडे के दिन एक्चुअली पता लगा दैट द काइंड ऑफ इफेक्ट माई म्यूजिक हैज हैड ऑन पीपल and the kind of messages that I'm getting and the kind of love that I'm getting, I just hope that 2020 we make better song than he writes for me. He gets time to write for me. I mean, I have to. जी जी जरूर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंतरे से सुनाए। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, ऐ सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे, ये आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी अंतरा बहुत लंबा, हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत लंबा। थैंक यू सो मच। Yeah? Excuse me, guys. One second.
थैंक यू. हेलो, कैसे हैं आप? Yes, we'll do the back. I don't know. Hello. Good evening. Hi. Well done. He's gone. Okay. Good. Okay. So first of all, what are expectations from the evening? I don't know. Everybody, this is Dub Sharma. He's the composer. This was his first film. He did Jingostan, Azadi and Apna Time Aayega. He's nominated today. So I'm expecting him to win. For starters, I don't know. We've got about 16 or 17 nominations. My whole crew's inside. So I'm very excited. And let's see what happens. It seems the maximum awards of Ali Boy Koi Jenge. I don't know that. Now, there were some very big films. But let's see. Yeah. How do you look at 2019? 2019 was a very good year. It was a very good year for me. I'm very happy with things that happened. And it's a year that my company, Rima Kakti, and my company started. So I'm very happy with 2019. What is preparations for the Oscar big night, Oscar night? That I don't know now. We are prepping. Let's see how it goes. There are 93 films from the worldwide. So yeah, let's see. Thank you. Thank you. Hi. Good evening. अदा के बारे में I don't think बताना चाहिए अब red carpet पे सिर्फ दिखाना चाहिए अदा. Well, the screen awards I'm planning to get very entertained क्योंकि हर साल बहुत entertaining होता है. And my film's nominated for best action and we're a super hit Kabando 3, so I'm quite excited to be here. Ji. I'm yes, and I'm quite excited because I think a film like this which had women empowerment, it had so many things to it, it had the whole love for your country angle and everything, so I think it's really cool because I expected it to work really well in single screens, but we went and visited multiplexes and people there are standing and cheering for the country and all. It feels really nice. Also, I'm very happy people understood my humor and laughing at all the jokes that I was cracking in the film. I was really happy that the punches were landing, both the actual ones and the funny ones. So for an actor, it feels really nice when your movies are hit and people are appreciating. So Commando 4 is a Pixar? Yeah, they've announced it, so it better be. Yeah. Thank you. Yes. Hold on, ma'am. Good evening. ये साल बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रही हैं, so I am supporting almost everyone because none of our films are nominated, so I can support everyone, and I am very excited to see all the live performances. So yeah, very excited.
I am rooting for Kabir Singh this year because I think Shahid was outstanding in the film. So yes, that's what I've been doing. I'm just very excited, especially Kooli Number One, because my dad started his career as a producer. उन्होंने Kooli Number One से शुरुआत की थी. तो producer change हो गया, director वही है. But yes, very very excited. And बाकी सारी फिल्में भी है, but Kooli Number One specially because that's where my dad started and I'm very very happy कि मैं भी वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ. So yes. Bell Bottom, yes. It's one of my favorite films. There's Jawani Jaane Man and there's, but yes, Bell Bottom. 22nd January 2021, please Anna. But yes, it's, we have Akshay Kumar doing that. So of course, we know that it's going to be outstanding. But also the story is very, very good. Ranjit, the director, is very, very good. So I'm looking forward to next year and hopefully I should be nominated next year. Thank you. Hoping कि कबीर सिंह का अपना जलवा भी और बिखेरेगा वो भी. सो बेख्याली इन मेरे सोनिया स्टिल वेटिंग कि क्या हो सकता है प्लेबैक के लिए भी एंड म्यूजिक बोथ. नो ऑनेस्टली हम लोग जब भी एक डेढ़ साल पहले से काम कर रहे थे वी ओनली थॉट अबाउट द फिल्म द कैरेक्टर दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस. और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला इवन वी वर सरप्राइज कि एक चार दीवारों में बनी चीज़ जब यू नो व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज हियरिंग आई थिंक इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फॉर अ कंपोजर रियली. या बिल्कुल बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए थोड़ा समय खफा हो गया अपने आप से थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Good evening. Good evening, ma'am. Hi. So, what expectations from the evening? Very excited for the Star Screen Awards. This is my very first film. Amu was also awarded here, and it's very exciting to be back here. For me, it was a fabulous year. It was all about The Sky is Pink, and you know, we finished our film, we released our film, got huge response, and it's been terrific year. Thank you so much. Thanks. I'm a Star Screen Awards winner.
Hi. Good evening. Hello, good evening. Ma'am, Kabir Singh, your role was the most cutest, sweetest and the most powerful role, one of the roles. What do you want to say about it? People loved it. I loved it personally. We all loved it. So what do you want to say about it? Well, only it was a minuscule role. It was a very nice role and I think it's very honest and straightforward. What you're trying to say is you can have fun, you can have friends, you can have relationships, but it's above board, you know, he's too blank, and it's very interesting because it's a very frank relationship that you're propagating. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello everyone. Hi. Hoodie new style. जी क्योंकि आज की शाम स्टार स्क्रीन अवार्ड्स है सो आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस बाय इंटरनेशनल डिज़ाइनर कॉल अहमद कुट्योर मायामी बेस्ड डिज़ाइनर है तो उन्होंने ये पूरा स्टाइल किया है इट्स अ हुडी बेस्ड ड्रेस I'm presenting for the best choreography today, tonight. और आज की शाम मैं इंतज़ार कर रही हूँ ऋतिक रोशन जो है उनकी डांस परफॉर्मेंस का बिकॉज आई रियली एडमायर हिज डांसिंग एंड एंड या एंड शाहिद्स डांस परफॉर्मेंस इज वेल थैंक यू थैंक यू Hi everyone, it's me Urvashi Rautela and wishing you all a very happy new year and Merry Christmas. Thank you. Thank you. Thank you. Hi. Hi. Good evening. How are you doing?
Oh, great expectations. We are very excited to be here. This is my first time here at Starscreen. So it's a great feeling. I've always watched the award, the function on television, and to be here now, it's a great feeling. Very excited. Right. Right. It's a great feeling because this was a dream since I was 5 years old to be a film actor. एक ही सपना था कि थिएटर एक्टर के साथ साथ फिल्म एक्टर भी बन पाओ और the media has been so kind, reviews touch wood इतने positive मिले हैं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो इससे और कुछ मैं मांग ही नहीं सकता. It's a great feeling and lot of respect, lot of love to everyone who has enjoyed the film and looking forward to entertain you with many other films. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah? Thank you all. Thank you. Excuse me. नमस्कार जी, मैं ऊपर ही देख रही हूँ. थैंक यू. ये आउटफिट जो है ये मिस्टर कलर करण मल्होत्रा का है और बहुत ही सुंदर आउटफिट है. थोड़ा इसे मर्मेड लुक दिया गया है और बस. अपनी बट हाँ, आई थिंक बहुत लोग नॉमिनेटेड हैं और बहुत लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं. मुझे एक्चुअली पता नहीं कि कौन परफॉर्म कर रहा है बट आई एम श्योर बॉलीवुड पूरा टैलेंट से भरा हुआ है और जो भी परफॉर्म करेंगे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे. आई थिंक टेलीविजन और फिल्म में बहुत फ़र्क है. टेलीविजन में आपको बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिलता है और फिल्म में यू स्टिल गेट टाइम क्योंकि आपका शॉट होता है, फिर यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. बट जहाँ तक मेरी बात है, मैं मैचेस अपनी नींद निकाल लेती हूँ. मैं सोती हूँ 12 घंटे कम से कम, मेरी नींद पूरी होती है. यस यस, आई एम ऑल्सो सीइंग द सेम. मैंने अभी पानीपत देखी, तानाजी देखी, मतलब पानीपत की ट्रेलर देखा, तानाजी का ट्रेलर देखा. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यू नो. और जितनी भी फिल्म आ रही है सारी मराठाओं पे आ रही है तो और क्या चाहिए. जी नहीं, अभी तो आ गई ना निया, आप देख लीजिए निया को. ये कलर्स की बातें आप स्टार प्लस में मत कीजिए ना. मैम यहाँ पे ये कैमरा. मैम यार
बुलाइए बुलाइए बिल्कुल बुलाइए. सो व्हाट आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इवनिंग? देखा जाए जिस तरीके से आपका साल रहा है, सो इट्स लाइक कि अब तो कंपटीशन है तगड़ी. अब तो कंपटीशन है तगड़ी, मतलब नॉमिनेशंस में ऑल. हाँ, मुझे एक्चुअली नॉमिनेशंस का ज़्यादा पता नहीं है अभी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग. और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट, लिल नर्वस अबाउट. और चुम्मा परफॉर्मेंस होने वाला है, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. एंड या दिस ईयर हैज़ गॉन वेरी वेल, इट्स स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, एंड इट्स विद लुका छुपी एंड देन हाउसफुल डूइंग सो वेल, एंड नाउ पानीपत गेटिंग द रिव्यूज दैट इट हैज़. So yeah, 2019 has been very special. It was your first historical Panipat. Yes. So particularly talking about your character, what kind of response you are getting as Parvati Bhai? Great response, and I think it took me a little while to sink it in. You know, on Thursday, Friday, Saturday, to like just sink it in. And I was somewhere, because मेरा पहला historical character है, पहला ऐसा character है जो कभी जिंदा रह चुका है history में, तो एक responsibility होती है. मैं पंजाबी हूँ, मैं महाराष्ट्रियन कैरेक्टर पहली बार प्ले कर रही हूँ, तो अगेन यू नो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई वॉज कन्विंसिंग, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट पीपल डोंट सी कृति इन इट एंड दे सी पार्वती बाई. एंड सो फार द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव गॉटन, इट्स रियली टचवुड, इट्स बीन वेरी वेरी अमेजिंग, एंड आई एम एक्चुअली वेरी ओवरवेल्म्ड विद ऑल ऑफ इट. जी जी. ऐसा कोई प्लान अभी तक मैंने नहीं किया है. आई वॉज सॉर्ट ऑफ बिजी इन प्रमोशंस एंड रिलीजिंग द फिल्म एंड एवरीथिंग, बट या ईयर बहुत अच्छा रहा है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, एंड जस्ट गोना बी सेलिब्रेटिंग विद माय फैमिली विद माय फ्रेंड्स, एंड कहाँ ये अभी पता नहीं है. जी I mean, I think when you're dealing with history, to be very honest, it's very difficult to cut a lot of things, because you have to show facts, you have to show how things happened. और जब characters बहुत सारे होते हैं जो कि थे पानीपत की लड़ाई के दौरान, तो उनको establish करने में थोड़ा समय जाता है. हिस्टोरिकल फिल्में, पीरियड फिल्में जो हैं, उनकी शुरू में पेस थोड़ी स्लो होती ही है नॉर्मली, अगर आप देखेंगे, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ लव स्टोरी, बिकॉज लव स्टोरीज आर यूजुअली फेयरली इजियर विद जस्ट अ फ्यू कैरेक्टर्स एंड लाइफ रिवॉल्विंग अराउंड देम. हियर देर इज सो मच दैट इज़ हैपनिंग दैट आई मीन आई नो वॉट यू मीन, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ काट सकते थे जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, रेलिवेंट नहीं होता उस टाइम के लिए. सो हैव सम पेशेंस, बट इवेंचुअली आई फील लाइक it's a story that we all are very very proud of, like I am very proud of the film, and it's a chapter in our history that you know we all must know of and we must all see. So when I feel like the Marathas and the warriors could give their life, to hum thode minute ki lambai mein kyun itna कंजूसी कर रहे हैं. जी जी बोलिए बोलिए बोलिए. शूट होता है, शूट के शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है, फिर उसके बाद प्रमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं नींद बहुत कम होती है. अभी भी कम है. अभी भी कम है, तो फिर किस तरह नींद पूरी करती हैं आप, या फिर क्या प्रॉब्लम पेश आती है? आई डोंट थिंक नींद पूरी हो पाती है अनलेस यू गेट दैट 1-2 डेज ऑफ, जो अभी तक नहीं मिले हैं. तो छुट्टी पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद, तो मैं एक्चुअली कल ही शायद स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ, शायद क्या मैं जा रही हूँ स्विट्ज़रलैंड, काम से भी जा रही हूँ, बट 2 दिन एक्सटेंड करके थोड़ा
रेस्ट करके चिल करके ट्रैवल करके भी आऊंगी. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. Hi, I'm Kriti Sanon. I wish you all a very, very happy new year. Have a great 2020 and wish you all lots of happiness. Thank you. Can you recall like one compliment that you got from any friends or any from the film industry? I think jo reviews mein bhi likha ja raha hai, to be honest, when people are particularly appreciating your performance and it's surprising them, that in itself is a big compliment. Lekin mere liye, I think meri mom, मेरी सिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब वो रोई है फिल्म देखकर. बहुत पहली बार मेरी कोई फिल्म देखकर वो रोई है काफ़ी. सो दैट वाज अ बिग थिंग. एंड मेरी मॉम हमेशा कहीं ना कहीं क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे से जानती है कि वो मेरी फिल्में देखती है तो उनको मैं दिखती हूँ मेरे कैरेक्टर्स में. एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म शी टोल्ड मी दैट यू नो वॉट आई डिडंट सी कृति एंड आई सॉ पार्वती भाई. एंड दैट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी बिकॉज जो आपके बहुत करीब होते हैं उनको आप कहीं ना कहीं दिख जाते हो. यू नो उनको आप जैसे लगते हो. So to disconnect from her daughter and believe in the character, I think that was a big compliment for me. And pretty one question, there are reports that you will be doing the Satyapa Satta remake also. Can you share any details on that? I mean, I would love to, but there's nothing that I know of, to be very honest. दोबारा ले लो. हाँ बोलो. नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? अच्छा करेंगे क्या? अच्छा कोर्ट मुझे सवाल पूछने वाला है. गुड इवनिंग सर. पॉसिबल गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. व्हाट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इवनिंग? आज की शाम और इस साल के बारे में क्या कहना है यार? स्टार स्क्रीन अवार्ड सबसे पहला अवार्ड होता है. पहले तो वो लोग जनवरी में करते थे, आजकल उन्होंने दिसंबर में शुरू किया है बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू बी द फर्स्ट एंड दैट इज द बेस्ट. और आज तो अवार्ड फंक्शन है बट इट्स मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज हम पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, फिल्म रिलीज होते हैं तो टुनाइट यू सेलिब्रेट इट एंड यू नो एंजॉय द फंक्शन. Yes, it's like both of us have had two big releases, Saho, Houseful 4 and she's had Student of the Year and Pati Patni aur wo jo Friday ko release hui hai. I'm more excited for her actually and I hope she wins something tonight. What do you want to say about her performance in Pati Patni?
बहुत अच्छा किया. इनफैक्ट मैं शॉक हो गया. आई मीन फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो बहुत ही अलग था परफॉर्मेंस. एंड आई वॉन्ट टू आस्क हर उसने एक्टिंग सीखी कहाँ से. भाई अगर मैं टिप्स दूंगा तो अनन्या कंफ्यूज हो जाएगी. आई थिंक वो खुद ही कर लेती है सब कुछ. बिल्कुल. बस सोने के लिए बहुत टाइम है. मेरा एक गाना था ना, सो गया ये जहाँ. तो जब काम मिल रहा है आई थिंक यू शुड एंजॉय इट, कीप वर्किंग. और मुझे लगता है मोस्ट एक्टर्स जब संडे ऑफ लेते हैं तो स्पेशली मेरी बेटी तो पूरा दिन सोती है फिर. सो शी कवर्स अप हर स्लीप देयर. मैं रातों का राजा हूँ, मुझे वैसे ही नींद नहीं आती है. बट यस, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक ऐसे डे डेडिकेट करना चाहिए जहाँ आप जितना स्लीप कवर कर सकते हो वो करना चाहिए. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या लग रहा है, मैं जीतने वाला हूँ कि नहीं? अरे जीतोगे सर. नहीं जीतूंगा तो आप लोग हड़ताल पे जाएंगे. I'm a jerky. अरे पहले नॉमिनेट तो होने दो. चिंटू भैया वो मिली भाग. चलो मार जल्दी है, जल्दी से. मैं एक सेकंड में जाऊँ. चिंटू जी बहुत खुश है यहाँ पे आके. मैं बहुत खुश हूँ रिस्पॉन्स से. इनफैक्ट मैं ऑडियंस रिएक्शन लेने के लिए कल गेटी पे भी गया था. वहाँ पे सीटियाँ तालियाँ मार रहे थे सब लोग और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और थिएटर में डांस करने लगा सबके सामने एंड लोगों के साथ डांस किया. सो आई एम रियली रियली हैप्पी विथ जो भी रिस्पॉन्स आया पति पत्नी और वो को. और मैं बहुत ज़्यादा सोच चाहता हूँ कि और ज़्यादा पैसे कमाएँ और ज़्यादा लोग देखें फिल्म को. जी जी, मैं बहुत हैप्पी स्पेस में हूँ एंड आई एम रियली रियली हैप्पी इन टर्म्स ऑफ कि लुका छुपी इस साल आई मेरी स्टार्टिंग में और ईयर एंड में पति पत्नी और वो हो रही है और वो और भी ज़्यादा ऑडियंस जा रही है थिएटर में और देख रही है एंड उनको बहुत फिल्म पसंद आ रही है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टार स्क्रीन अवार्ड्स. ये पहली बार होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड माई परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. सबकी जी. अरुण बंद रखो. यस. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. टेल मी What are my expectations? I think we are nominated with Gully Boy in a lot of categories and hopefully we'll go back with all those awards. So I've carried a bag also, usme dal ke hi leke jaunga agar jeet gaye to. But seriously, as a Gully Boy to hai, but Gully Boy ke alawa there were so many other films. So as a producer, what do you want to say about this year?
You know, I think it's always good to be in such august company. I think there are remarkable films which have made mostly these concept driven, which are smaller, and you know, they've not been the big ticketed or the big event films. But I think that's what cinema is, no? Both coexist. So I think I'm looking forward, and I believe we have great host. There's a big evening being planned, so I'm looking forward to it. Film ke alawa, OTT pe bhi Excel has done an excellent job. Ji. Going with the response, Inside Us 2 has gone. Ji. People are actually, you know, social media pressure. जी आपने देखी no, sir, अभी तक okay. so, I mean, it's overwhelming के यू नो एक नया चीज़ ट्राई किया था. आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम वी डिड अ लॉन्च ऑफ अ शो इन इंडिया विच वॉज एन ओरिजिनल. एंड आई थिंक जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स थे एंड पीपल हैव इन्जॉयड देम एंड एक हंगर था, तो आई थिंक ऑन अ सर्टन वे वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई दैट. एंड होपफुली जो सब ऑल दोज कैरेक्टर्स वर लेफ्ट आउट एट अ सर्टन प्लेस, सो पीपल वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ देम एंड होपफुली दिल बी सेटिस्फाइड. इट्स स्टिल अर्ली डेज, दो दिन है, बट लेट्स सी. बट इफ यू आर सीइंग द रिस्पॉन्स इज गुड, आई टेक योर वर्ड ऑन इट. जी I don't think when we get a script, we look at it, yeah, this will be a cult film or this will be. I think you go with your instinct, you go with your belief, and you feel, okay, this is, you want to put your voice behind this. And I think there has to be some kind of an emotional connect. Like when you look at, when you read it, you know, and you feel, okay, do I relate to this film? Do I relate to this character? Am I invested in his journey? You know, do I feel his pain? Do I feel his joy? So once you connect and there's some kind of an emotional connect, those are the films you stay true with, and I think hopefully they work on that level, you know. So Ritesh, sir, yeah. Asking now, what's there, but what about the big day, Oscar? Finally India can get an Oscar. I hope so, yaar. We are trying very hard. We've done, I mean, Zoya to aaj wapas aayi hai subah. I came back 10 days ago. And we are trying to bring the film in the forefront. We are doing everything within our power to make sure we leave no stone unturned in bringing it there. We'll know on the 15th. 15 tariko is the first shortlist, and after that we'll be in out of 93 into 10 films. So hopefully we make it to the shortlist, then we'll keep. Maybe we will get the award this time. Maybe it'll be the first time for India, but fingers crossed. Sure. Thank, yeah? you so much. Thank you. Thank you. Left. हाय, गुड इवनिंग. यहाँ पे अभी तो मैं आई हूँ, फ़ोन भी नहीं है पास में, तो टिकटॉक कैसे बनाए. या आप सबके फ़ोन्स बहुत हैं. थैंक यू कैमरा. जस्ट गोना हैव फन. आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ. आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट वॉक, जब मैं पहले स्क्रीन अवार्ड्स के लिए यहाँ आई थी, तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. एंड नहीं, आई थिंक इट वॉज, आई वॉज मोर नर्वस एट दैट टाइम, बट आई थिंक नाउ वी यू नो जस्ट गोना हैव सम फन, अ ग्रेट इवनिंग एंड टू सेलिब्रेट सम गुड सिनेमा. एंड उरी. I'm nominated today, so I'm really happy. I'm really, really happy and thankful to our audience for giving me so much love. बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग आपके characters आपको बुलाते हैं and they tell you that this is what we loved in the film, this is what you know, can you do this for us? Yesterday I was at an event and they all wanted to make some TikTok videos. So thank you so much for even including media, everybody, for this love and thank you for making 2019 so special.
में एक सवाल ये बनता है कि एक एक्ट्रेस की लाइफ में काफ़ी लॉन्ग आवर्स काम करते हैं शूट के दौरान, ऐसे में कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, काफ़ी दिक्कतें पेश आती है, नींद पूरी नहीं होती है, क्या कभी ऐसी हुआ है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स डेफिनेटली हुआ है, और I think it's a part and parcel. It's about actually having a quality sleep than quantity and, you know, the number of hours of sleep. So it's, you get used to it. So what's next for you? Next is a film called Guinea Wet Sunny, and we'll talk more about it. But today is about 2019, and thank you so much once again. कुछ planning नहीं है, मैं shoot करने वाली हूँ, तो shoot में Christmas tree में decorate कर दूँगी. With my name. Yeah. Hi, I'm Yami Gautam, and wish you all a very Happy New Year, Merry Christmas, have fun and celebrate love. Thank you. अरे आज तो मर्द को दर्द नहीं होता है भाई, नेक्स्ट ईयर यू कांट डू शिट अबाउट. चलो फर्स्ट मार्क रणवीर सिंह की फील आ रही है. हाय, गुड इवनिंग. ये मैं कर रहा हूँ. नहीं नहीं, किसी ने बहुत अच्छा सूट, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत. वही मैं कह रहा था ना कि रणवीर सिंह टाइप की फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, तो एक मतलब रगों में आज रणवीर सिंह का खून दौड़ रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और मेरा नॉमिनेशन हुआ है आज. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं तो आजकल ऐसे ही रहता हूँ, मैं घर पर भी, आप मिलो कभी घर आओ, मैं ऐसे ही रहता हूँ. कपड़े थैंक यू. आई एम नहीं, उसके लिए नहीं, यहाँ पे तो मर्द को दर्द नहीं होता, उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, तो वो भी अच्छा लग रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कमांडो सक्सेसफुल है, इतना सारा प्यार दे रहे हैं लोग मुझे. आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि मेरे लिए एक नए किस्म की फिल्म थी और मैंने कुछ किया था, एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, और इतना सारा प्यार, इज ओवरवेलमिंग. आई एम एंजॉइंग इट, आई एम रियली एंजॉइंग. थैंक यू. चेस अरे आपके ट्विन कहाँ है?
Hello guys, thank you for the hat trick. Thank you. Oh my god, yeah. I think for starters, मैं audience को बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने पति पत्नी और वो को इतना सारा ये देखो यहाँ से राकेश यादव उनका शुरू हो गया है. ऑडियंस ने इतना ज़्यादा प्यार दिया पति पत्नी और वो को, और आई थिंक हम तीनों के कैरेक्टर्स को इतना प्यार दिया, जैसे कि आप सब सुन सकते हैं हमारे किरदारों के नाम से ही हमें बुलाया जा रहा है. एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ईयर एंड या द ईयर इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड आई थिंक मेरे करियर का सबसे हाई पॉइंट ईयर है ये. इट्स लाइक द सीमेंटिंग ईयर ऑफ माई करियर. सो या आई जस्ट वॉन्ट थैंक एवरीबडी. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, सपोर्टिंग माई वर्क, सपोर्टिंग माई फिल्म एंड आई जस्ट लव यू गाइज. खुद से कम्पीट कर रही हूँ. Yeah. She's my sister. Yeah. I mean, you know, I think the bond that both of us have is a lot larger than any kind of interpersonal competition. If she wins, I'll be very happy. It'll feel like I have won, and I'm sure it'll she'll feel the same about my wins. So yeah, fingers crossed. I hope we both win. So what's next? I hope we share it. So what's next, Bhumi? नेक्स्ट दुर्गावती तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत भारी भरकम अनाउंसमेंट हुई थी उसकी. एंड तख्त एंड द रेस्ट आई एम नॉट गोना कंफर्म और डिनाई. सो मैं पिछले 18 महीनों से सो ही नहीं हूँ और सिर्फ शूट नहीं, मैं शूट कर रही थी, 3 रिलीजेस थी ये साल. एंड बट आई लव इट, काम से बढ़कर कुछ नहीं. हैप्पी न्यू ईयर. मैं बॉम्बे में हूँ क्योंकि बहुत काम है. यस, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. Hi, this is Bhumi Pednekar and wish all of you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, done visuals, done. We'll do the photo. First mark.
करके आती हूँ, भूमि को जाना है जल्दी, तो आई जस्ट डू दैट एंड कम बैक। मर्द को दर्द नहीं होता, काफ़ी कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है, सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। एंड स्टार के साथ यू नो बहुत स्पेशल जर्नी रही है, बिकॉज मेरा पहला अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड था मेरे लिए, जो बेस्ट डेब्यू का मुझे लास्ट ईयर मिला था। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर अंग्रेजी मीडियम। शूट खत्म हो गई है, डब भी खत्म हो गई है। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिलीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, सो आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू सी। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम शूटिंग फॉर शिद्दत राइट नाउ, सो आई थिंक शिद्दत भी आप लोग जल्दी देखेंगे। अंग्रेजी के बाद आई थिंक शिद्दत ही लाइंड अप होगी, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। जी 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 नींद नहीं पूरी होती है जी। मुझे लगता है मैंने टीवी के अंदर, क्योंकि 56 आवर्स नॉन स्टॉप, 24 आवर्स नॉन स्टॉप इतना कर लिया है, मुझे लगता है मेरी इतनी रगड़ाई हो चुकी है कि मूवीज़, मुझे लगता है कि अरे क्या हो गया यार अगर तुमने 12-14 घंटे प्रमोट कर दिया तो। सो आई थिंक टीवी ने मुझे काफ़ी रगड़ के मांझ दिया है, तो मुझे फिल्म ऐसी लगती है कि जन्नत में आ गई हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ ओके सेंटर डाउन, उसके
Yes, I'm very excited for this Star Screen Awards, and yeah, it feels great to be here. जी आई एम अ वर्कहोलिक सो आई लव वर्किंग कंप्लीटली यस ऑफ कोर्स इट्स टायरिंग बट इट्स अ लॉट ऑफ फन स्पेशली व्हेन यू लव डूइंग व्हाट यू डूइंग सो या थैंक यू It's the first time I'm playing something so different, and it feels great. It's a challenge for any actor to do the role. She's loving it. Yeah, thank you. There's a rush inside. I'm holding it now. There's a rush inside. कैसे आप लोग कैसे गए हाय गुड इवनिंग यार पता नहीं किसका है बेस्ट एक्टर पर हाँ नॉमिनेशंस में हूँ और आर्टिकल 15 10 नॉमिनेशन है बाकी को पता नहीं कितने नॉमिनेशन है पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तीन फिल्में की है इस साल आर्टिकल 15 बाला और ड्रीम गर्ल कुछ ना कुछ तो शायद मिलना चाहिए लेट्स सी What do you want to say about the year? What do you want to say about the year? You've got मतलब different films हैं लेकिन हर film को इतना पसंद किया गया so what do you want to say about it? Beat Article 15 This was, I think this was the best year till now. 2019 was phenomenal because I did three films of different spectrums. Article 15 उस तरफ थी, Dream Girl उस तरफ थी, बाला कहीं बीच में थी. So it was beautiful. बहुत बहुत अच्छा लगा फिल्म करके. ऐसे किरदारों के नाम से सुनना कितना पसंद करते हैं आयुष्मान? अच्छा लगता है बाला बाला सब बोलते हैं उससे पहले पूजा पूजा बोल रहे थे इट फील्स गुड ऐसे पता चलता है कि लोगों को कितनी पसंद आई है फिल्में या फिर मेरे कैरेक्टर्स पसंद आए हैं सो इट्स रियली ओवरवेलमिंग नींद उस टाइम पे नहीं होती बिल्कुल नहीं होती इनफैक्ट आज मेरी नाइट शिफ्ट है पहली नाइट शिफ्ट है तो अभी रात को शूट है पूरी रात हमारी अभी शुभ मंगलदास सावधान की यहाँ से सीधा वहीं पे जाऊँगा सो इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑफ कोर्स हाँ नहीं हैंगओवर तो मुझे नहीं होता मैं पीता नहीं हूँ लेकिन हाँ होता है ऑफ कोर्स होता है व्हेन यू आर वर्किंग 24/7 बैक टू बैक शूट चल रही होती है दैट रियली हैपेंस या ऑफ कोर्स अभी लास्ट
रह गया है 7 दिन का बॉम्बे में, और फरवरी में रिलीज है, उसके बाद गुलाबो सितापुर रिलीज है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच मंगलजार साथ एंड गुलाबो सितापुर. हाँ हाँ यार, न्यू ईयर मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ, कुछ डिसाइड नहीं किया अभी, लेकिन हाँ फैमिली के साथ ही होऊंगा मैं. थैंक यू. गाइस प्लीज क्लोज द डोर प्लीज. फ्रॉम द इवनिंग आर आई परफॉर्म वेल. मैं गिर ना जाऊँ, मेरी हील्स बहुत लंबी है, बस यही एक्सपेक्टेशन है. एंड ऑफकोर्स टू सी यू नो दीज अमेजिंग स्टार्स ऑन स्टार स्क्रीन. मेरे परफॉर्मेंस का खुद को एक तो बहुत नर्वसनेस होती है, इंतज़ार तो बहुत होता है बट नर्वस में ज़्यादा होती हूँ. बट इतनी बड़ी रात है तो ऐसा मुझे लगता है अच्छा ही परफॉर्म करूँगी. कोका वास्ते और दिलबर. सॉरी नेवर. आई मीन बट आई थिंक अगर यू नो मन से कोई भी चीज़ अगर लोग करते हैं तो सक्सेसफुल होती है, इज़ व्हाट आई बिलीव इन. एंड कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे भी छोड़ देनी चाहिए, तो आई जस्ट डिड दैट एट दैट मोमेंट और यू नो इट वर्कड इन माई फेवर और इतना बड़ा हिट हो गया है. हमारे सबके लिए, पूरा टीम ने बहुत इस पर यू नो मेहनत मुशक्कत की थी. एंड आई जस्ट पेड ऑफ. आई एम रियली हैप्पी अबाउट द टर्न आउट. नेक्स्ट इज इन जनवरी. वॉट आई कांट से, इट्स अ सिंगल, इट्स अ टेल यू व्हाट्स द पॉइंट. सिंगल, आई ऑलवेज डू सिंगल्स. आई होप मेरी हैट्रिक हो जाए. थैंक यू. और बस सक्सेसफुल ईयर होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए और बस काम रहे. एग्जैक्टली, काम रहे, खुशी रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे. आपका फेवरेट क्या है? ओके, आई गॉट माय आंसर.
Okay. वास्ते जा भी दूं मैं गवाए माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं ना जानू तुमसे खुद को मैं पहचानू तुमको बस मैं अपना मानू माहिया वास्ते जा भी दूं मैं गवाए माँ भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं थैंक यू थैंक यू New Year and Christmas. Okay. Ready? Yeah. Hi guys, this is Vani Bhanushali and I wish you a very happy New Year and a Merry Christmas. Thank you. Thank you. Kaise aap? Idhar kyun? Yes. Please close the door. Yo, yo, yo. Hi. थोड़ा पोस्चर सीधा कर लो आदत नहीं ऐसे कपड़े पहनने की थैंक यू कोई अच्छे सवाल नहीं मिल रहे I don't change. अच्छी बात है चलो किसी ने बोला आप बदले नहीं कैसे आप मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता तो शाम से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है बट ये मानता हूँ कि एक अच्छे एल्बम का हिस्सा हूँ बहुत अच्छे कंपोजर्स थे साथ में मिथुन सर साचेत परंपरा विशाल मिश्रा अखिल सचदेवा और बहुत आज के टाइम में मुश्किल है कि यू नो इतने रीमिक्सेज है और एक ओरिजिनल एल्बम में अपनी जगह बनाई विदाउट यू नो डिपेंडिंग ऑन अ रीमिक्स तो खुश हूँ कि एक मेल डोमिनेटेड फिल्म में एक ऐसा गाना किया है जो फीमेल पर्सपेक्टिव रखता है तो वो मेरे लिए चैलेंज था और मैं खुश था कि संदीप वांड्रा रेड्डी थॉट कि यू नो अमल अच्छा काम करेगा इस पर थैंक यू थैंक यू Tell me, good evening. Hello. So, what are expectations of the evening? A fabulous star-studded night. And talking about yourself, मतलब जिस तरीके से हमने आपका एक group देखा Sacred Game 2 से भी यहाँ लेकिन that recent year, what do you want to say about it? Well, it was like never. मतलब what you saw in the season was shocking. Yeah. So, what do you want to say about it? Well, I think it's always fun and
great to do work that's exciting and surprising for your audiences and viewers, and that's the reason you're here, that's the reason you do what you do. And unless there's that kind of an element of surprise in the parts that you play, I don't think it's fun, yeah? And look forward to doing more of that kind of stuff. And what's next? There's something that I'm doing, of course, season... I can't actually speak about it, but in the first quarter of the coming year, I'm starting to shoot now. I'm getting back to work after having my baby. And yeah, so I'm getting back to work. 2020 is going to be a fantastic year. All the best. Thank you. Thanks. Do a dress. 1 second. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे डैड ने दो बार देखी थी, क्योंकि आई थिंक पहली बार वो बहुत कम हंसे थे और दूसरी बार उन्हें और हंसना था. क्योंकि पहली बार आई थिंक जब वो पहली बार मुझे स्क्रीन पे देख रहे थे वो बहुत नर्वस थे, तो आई थिंक सेकंड टाइम वो लाइक ज़्यादा खुल के हंस पाए. तो आई थिंक मेरे डैड को बहुत अच्छी लगी फिल्म और तीसरी बार भी देखने वाले हैं. Yeah. No, I mean this year, I couldn't have asked for a better year, and it's just been the biggest deal for me to even be a part of an award function as an actor for the first time. I'm nominated. That's such a big deal for me. So I'm very blessed, and I hope 2020 is bigger and better. Yes. नहीं, आई थिंक अगर वो प्रेशर लाइक मैं रखूँगी हर फिल्म के लिए तो मैं दब जाऊँगी ऐसे, तो मुझे प्रेशर नहीं रखना है. मुझे सिर्फ मज़ा करना है, मुझे इन्जॉय करना है, मुझे बहुत 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 काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. काम रहने का, हंसने का, योर फुल लाइफ जस्ट लाफ, जस्ट बी चिल्ड आउट एंड कीप जोकिंग. जी, मुझे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ. सुहाना और शनाया के साथ हमारा एक रिचुअल है कि हम हर न्यू ईयर साथ में बिताते हैं, तो मैं उनके साथ रहूँगी. थैंक यू. ओह, मैं आई फील लाइक अ स्टार बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ग्लैमरस बनने में. हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन. आई एम अनन्या पांडे.
थैंक यू सो मच. प्लीज पति पत्नी और वो देखो अगर entertainment. Just looking for having a great evening, celebrating art, and I think humne bahut acha kaam kiya hai pure saal and last year bhi. So I'm just looking forward to seeing who is getting you know, awarded for it. It's been a great year and I think I'm very blessed ki mujhe Vairav ne fir se ek chance diya, and even that movie has done so well. I had a great time working with Hrithik and Tiger, and we were all expecting the success, but the kind of response that the audience has given us is just very beautiful and feeling very blissful. So thank you to all the audience and to everyone out there who've loved the movie and appreciated my work. काफी eventful year रहा है. देखा जाए तो काफ़ी कुछ काम जो 2019 में आया था उसकी शुरुआत 2018 से हुई थी, तो वो मेरे लिए बहुत ही इवेंटफुल ईयर भी रहा है. एंड आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट एज अ पर्सन आल्सो एज एन इंडिविजुअल, एंड आई जस्ट होप आई कंटिन्यू इन ग्रोइंग एट बोथ अ प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल लेवल. थैंक यू. चलो हाँ, रेड कार्पेट होस्ट किया है आई थिंक पहली बार स्टार स्क्रीन अवार्ड्स का, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू मीट जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, एंटरटेन करते हैं हमें, एंड उनके साथ हंसी मजाक गेम्स खेलना अपना ही मज़ा है उसका. आप एक्टर हो, तो किसी एक्टर का आपको इंतजार है कि जैसे कि आप शाहरुख
आई विश शाह सर वॉज हेयर, पर आई थिंक वो कंट्री में नहीं है, इज नॉट हेयर. एंड आजकल थैंक्स टू इंस्टाग्राम हमें पता चल जाता है वो कहाँ है. तो हाँ, या आई थिंक थोड़ी दिन थोड़े टाइम बाद ना बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट. आई थिंक आपके बॉडी क्लॉक ही ऐसे हो जाते हैं. अब तो शायद अगर 4 घंटे से ज़्यादा नींद मिल जाए तो बॉडी रिजेक्ट कर देती है, अपने आप उठ जाती है, मतलब क्या भाई उठ चल काम पे चल. बट नॉनदलेस काम है, मज़ा आता है, तभी तो आई थिंक व्हेन योर वर्क इज़ फन तब नींद की इतनी अहमियत नहीं रहती है. नहीं, मुझे तो नहीं हुआ, प्रोडक्शन को बहुत हुआ है. हाँ बट या ना इट मैनेज यार, हो जाता है मैनेज. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. Hello. Thank you so much. पूरी एल्बम को मिला है, सो नथिंग बेटर देन दैट ओरिजिनल म्यूजिक. और मेरा सेकंड गाना सेकंड अवार्ड है, तो नथिंग, आई कांट आस्क फॉर मोर, आई एम हैप्पी. किनको? आई थिंक
अवार्ड से पहले ही लोगों का प्यार मिलता है और वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, और अवार्ड उसके बाद उस पर एक थप्पा लगा देता है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट पूरी एल्बम ने लोगों का इतना प्यार जीता, इतना दिल जीता, आई थिंक ट्रेंड सेटर एल्बम, तो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आने वाला शुरुआत में जनवरी दे रहा हूँ। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज और खूब सारे अवार्ड्स। आई थिंक स्टार स्क्रीन अवार्ड्स आर नोन फॉर यू नो द क्रिटिक्स एंड द ज्यूरी अवार्ड्स, सो टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइट। और मेरा भी नॉमिनेशन है बेस्ट सिंगर कैटेगरी में, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। पॉजिटिव हूँ, लेट्स सी। वेल एक सेकेंड, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द Sorry. So I'm wearing a Russian designer and it's called Grash Couture. Now I see you. Well, a lot of film songs के साथ साथ singles पे independent music पे बहुत ध्यान दूंगी, and you will सिर्फ मुझे सुनेंगे नहीं but मुझे feature करते भी देखेंगे मेरे videos में। Well, I think Kabir Singh is also nominated for the album of the year, and I'd like to hum a few lines. Meri raahein tere tak hai, tujh pe hi to mera haq hai, ishq mera tu beshak hai, tujh pe hi to mera haq hai. Thank you. Thank you so much. Thank you. This is the mark. गुड इवनिंग। क्या कहना चाहेंगे आज बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को आपके? न्यू कमर है यार। सपोर्टिंग एक्टर इतना अच्छा रोल किया एमसी? नहीं यार, सपोर्टिंग पता नहीं, बट बेस्ट न्यू कमर में नॉमिनेट हुआ हूँ, और पहला नॉमिनेशन है, पहला स्टार स्क्रीन अवार्ड। बहुत खुशी हो रही है, हमेशा देखता था टीवी पे मम्मी पापा के साथ, और आज यहीं पर हूँ
उन सब के साथ जिनको पहले टीवी पे देखा करता था, और वैसा ही है जैसा लगता है टीवी पे, शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और जो परफॉर्मेंसेज हैं बहुत कमाल के हैं, अभी कियारा का परफॉर्मेंस देखा, बहुत मज़ा आया। और देखते हैं क्या होता है आगे, क्या लिखा है। हाँ यार, तो अगर आप है आ रही हैं खबरें, जो भी खबरें आ रही हैं उनको आप सही या झूठ समझ सकते हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रोड्यूसर से आएगी। बट है बहुत कुछ, हार्ड लाइनअप है हमारा। यस यस बिल्कुल, 2020 बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स होंगे, वो शायद एक फिल्म में होंगे या कई फिल्मों में होंगे, लेकिन मज़ा आने वाला है। एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी टाइम लिया मैंने, लेकिन फाइनली अब सब चीज़ें लॉक। जी 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 जी, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इनसाइड एज से शुरुआत हुई थी और इनसाइड एज पार्ट टू आ गया है। वही कैरेक्टर, वही प्रशांत फिर से। अब लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि MC शेर से प्रशांत फिर कैसे, लेकिन वही काम है हमारा। कई लोग कह रहे हैं कि यार तुमने दाढ़ी क्यों हटा दी, तुमने ट्रिम कर दिया, तुम क्लीन शेविंग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन जो है वो जो किरदार है वो रहेगा। और अच्छा लग रहा है, लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो नहीं नहीं जी, अरे यार मतलब रैप करा के, मैं रैपर हूँ नहीं, पता है ना सबको, बन गया हूँ आप ही लोगों की वजह से यार, रैप करते करते। चलिए अपना टाइप वही वाला इंट्रोडक्शन सॉन्ग, शेर की जुबानी सुनिए शहर की कहानी, यार रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दे, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दे, क्योंकि फ़र्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक, हैवानियत की शक्ल, जितनी तुझमें गर्मी उससे ज़्यादा गर्म, मेरा कलम क्यों इतना बेशरम, का काम का वो काम जिसमें तेरा कल नहीं, का काम का वो आज जिसमें तू सफल नहीं, बल नहीं दिमाग की ज़रूरत, तेरे भाई की हुकूमत सच्चाई की ये सूरत, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, अरे हाँ वो पहले वाला है ये। अरे यार अब मेरा डायरेक्टर मुझे एम्बैरेस करने में बुला रहा है। गुड, बेटर है यार, ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। हाँ थैंक यू, थैंक यू, गुड इवनिंग। हाँ थैंक यू, थैंक यू, हाँ जी हाँ जी, अच्छा स्टार्ट हुआ था, अच्छा खत्म हुआ तो अच्छा ही था। बीच में मिशन मंगल भी आई थी, तो आई थिंक इट वॉज वेरी गुड। अब मैं आई होप 2020 के लिए प्रेशर अब ज़्यादा है मेरे पे, कि वो अब इससे बेटर करके दिखाने का जो प्रेशर है, देखते हैं कैसा निकलता अब। इसका मुझे बहुत ही अजीब आंसर आ रहा है, बट मैं बोलूंगी नहीं नहीं, मैं तो वैसे कुछ भी बोल सकती हूँ बट नहीं अभी बोलूंगी नहीं, ऐसे मत करो यार, ऐसे वाले आंसर्स मत बुलवाओ मुझसे नहीं। बट प्रेशर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तब लगता है कि तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है लोगों की, नहीं तो एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर मज़ा क्या है काम करने का, तो दैट्स व्हाई इट्स गुड टू हैव दैट प्रेशर। जब भी कोई फिल्म आती है जिसमें चाहे मेल और फीमेल कैरेक्टर्स का इक्वल स्क्रीन स्पेस हो, हमेशा एड्रेस किया जाता है उस फिल्म को मेल एक्टर के नाम से, वो चाहे उनका स्क्रीन स्पेस सेम हो, ज़्यादा हो, कम हो, रिगार्डलेस मेल एक्टर के नाम से उस फिल्म को रेफर किया जाता है, जो कि वो बच्चन सर हो चाहे जो भी हो, वो उनसे कंपैरिजन नहीं है, हम कंपटीशन में नहीं खड़े हैं, हम लाइन की एक ही साइड पे हैं। तो आई जस्ट फील के एक लड़की को भी इक्वल इम्पोर्टेंस, जिसने मेहनत उतनी करी है शायद, तो उसको भी मिलनी चाहिए एक फिल्म के अंदर, इसलिए मैंने ये कंसर्न रेज किया। नो नो, इट इज विद एवरी सक्सेसफुल फिल्म, प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू पे मोर with every successful film. Yeah. हाँ जी हाँ जी, एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि फिल्म के शूट के दौरान काफी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स काफी लॉन्ग आवर्स काफी शूट करते हैं, हाँ जी, नींद नहीं पूरी हो पाती है, तो
नहीं, मैं अपनी नींद तो पूरी करती हूँ भाई, वो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। 8 घंटे की नींद के बिना तो मेरे से काम होगा ही नहीं। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तैयार होना वगैरह भी मना लो तो 13-14, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसमें 8 घंटे होते हैं सोने का। अब आपके ऊपर, आप कुछ और करना चाहते हो उस टाइम में तो फिर आप टाइम अपना खो रहे हो सोने का। मैं 8 घंटे की नींद पूरी करके आती हूँ। हाँ, कभी कुछ मौके ऐसे हो जाते हैं, बट देन वो एक दो बारी के लिए सही, एक्सेप्शनल टाइम के लिए। ऐसे नहीं है कि मतलब नॉन स्टॉप ही तुम बिना नींद के काम कर रहे हो, ऐसा बॉडी अलाउ नहीं करती। या पहले मैं साइन कर लूँ उसके बाद बात करती हूँ उस बारे में। फिलहाल मेरे को डर लगता है, नहीं तो कुछ भी बोलते हुए। हाँ, जब साइन करूँगी तो बात करूँगी। छुट्टी ले लेती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, वो वैस तरीका है सेलिब्रेट करने का। तो छुट्टी लेके जाऊँगी, मैं और मेरी बहन जाएंगे हॉलीडे मनाने। अब ये भी बताऊँ कहाँ जाना है, कितने लोग हैं, कहाँ ठहरी हूँ, एड्रेस भेजूँ, पिन एंड ऑल सब कुछ। नहीं, इसको भी साथ लेके जाऊँ। इसको भी वेरी डिफिकल्ट इज व्हाट आई नो। मैं सिर्फ क्रिकेट देखती हूँ, कभी खेला नहीं है, देखती बहुत हूँ। तो वो खेलना अभी बहुत चैलेंज हो रहा है। मिताली ने पहले ही बोल दिया कि मैं देखूंगी कि कैसे कवर ड्राइव करेगी। वो कवर ड्राइव का मुझे सपने आ रहे हैं अब मुझे। तो हाँ, वो मेरे अगले साल का बहुत चैलेंजिंग रोल होने वाला है। नो, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग, बिकॉज मिड ऑफ द ईयर से रफली शुरू होने वाली है पिक्चर। सो आई विल स्टार्ट विद द न्यू ईयर। Hi, this is Tapsee Pannu and I wish everyone a very very happy new year. Resolution वगैरह मत बनाना, वो टूटते ही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी अच्छे से खुश रहना, रोज़ के रोज़ अच्छा खाना और मतलब stay healthy. That's it. Just enjoy the new year. अगले साल फिर आएगा। Okay, bye. Bye, bye, bye. Baba, 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 baba
नमस्कार, सारा जी राइट पे, 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 राइट पे,
Shahid sir. Bye. Good evening, Shahid sir. Good evening, what's up? How are you guys? All good. So first of all, what are your expectations from the evening? Fantastic evening, lots of great performances. I'm hosting a little bit, performing, so I'm looking forward to a great night. Okay, so how do you look at this year? This year has given the biggest hit of the... This year has the biggest hit, Kabir Singh. Yeah. So what do you want to say about it? I'm just very overwhelmed with this year. It's been a very gratifying year. I have only the audience to thank because jo bhi pyar Kabir Singh ko mila hai wo audience ne diya hai. Hamari khud ki expectation nahi thi ki film itna zyada acha perform karegi ya log itna zyada pyar denge film ko. So it was very overwhelming what happened with Kabir Singh. Kai saal wait karne ke baad mujhe itni badi successful film mili hai. So I feel very thankful, grateful. Kabhi kabhi aisa lagta hai I don't deserve it. But I'm very happy, very thankful. And I want to just thank the audience. कोशिश यही रहेगी कि आगे वही फिल्में करूं जो audience को पसंद आएं और वैसी फिल्में करूं जो हर तरह के audience समझ सके। Okay, शायद sir जिस तरीके से कबीर सिंह को प्यार मिला, ऐसा साल में मैं देखने नहीं मिला audience इतना प्यार किया। जी। You have seen the video and everything. Yeah. But कहीं ना कहीं देखा जाए तो the other part of the character and the film got into a debate जहाँ yeah. people were like कि this is not you know correct or this is not so what, right. what's your take on that? मैंने हमेशा से यही कहा है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ऑडियंस बाहर निकले या उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. जिस तरह लोगों को फिल्में बनाने का हक है उसी तरह हर इंसान को फिल्म पर कॉमेंट करने का हक है. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग ग्रेट एक्टर्स जिनका सबसे बड़ा एम ये नहीं था कि मैं कैसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ कि लोग मुझे बहुत ही अच्छी नज़र से देखें. वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स, नॉट वेल बिहेव्ड कैरेक्टर्स, हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मुझे ये नहीं लगता कि ऑडियंस इतनी स्टूपिड है कि उन्हें लगता है कि इंसान जैसा कैमरे के ऊपर बिहेव कर रहा है आम जिंदगी में भी वो वैसा ही है. इनफैक्ट मेरे पिछले 7-8 परफॉर्मेंसेज में कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर नहीं है. लोग ये जानते हैं कि आम आदमी में शाहिद कपूर कौन है, वो कौन से जिम में जाता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी बीवी क्या करती हैं, वो ये सब जानते हैं. और जब वो फिल्म देखते हैं वो एक फिल्म को एक फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टाइम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या एक आर्ट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसी ने अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस किया. और एक अच्छी फिल्म का डेफिनेशन ये नहीं होता कि उसमें कितनी अच्छी चीज़ें दिखाई गई. उसका डेफिनेशन ये होता है कि जो भी वो दर्शा रही थी उसने उसको कितनी सच्चाई से और कितनी पोटेंसी से दर्शाया कि ऑडियंस उससे कितना इफेक्ट हुई. एंड आई थिंक ऑन दैट कबीर सिंह वॉज अ 10/10. हमने कहीं भी किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है. कबीर सिंह के बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं. वो काफ़ी मेस्ड अप कैरेक्टर है और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो अच्छे लोगों को नहीं करनी चाहिए. लेकिन हमने कभी ये कहा ही नहीं था कि कबीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें कहेगा. शुरुआत से प्रोमो में हमने यही कहा था दैट दिस इज़ अ फिल्म अबाउट अ वेरी वायलेंट मेस्ड अप कैरेक्टर. लेकिन उसके अंदर एक दिल है, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है. और कई बार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के अंदर की अच्छाई को भी ढूंढता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से कोई भी इंसान जो है उसने पूरी जिंदगी तह जिंदगी बिना कोई गलत काम किए या किसी गलत फेस से गुजरे कोई भी नहीं होगा. यहाँ पे मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे. मैंने कई बार लोगों से जाके माफ़ी मांगी है, कई बार नहीं मिल पाया उनसे. मन में ऐसा रह गया कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो फिल्में जो हैं वो सिर्फ कैंडी फ्लॉस हो जाएंगी, अबाउट थिंग्स दैट डोंट रियली एग्जिस्ट. और अगर आप सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा. अगर बैड बिहेवियर वायलेंस एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे. आज कबीर सिंह फिल्म रिलीज़ हुई उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उठकर ये बात की कि यार ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर सही नहीं है. वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो गया. कितने लोगों के बीच में ये बात हुई. सिनेमा का काम है लाइफ को दर्शाना. इट्स हैज़ टू मिरर लाइफ एंड टू ब्रिंग अप कॉन्वर्सेशंस. सिनेमा का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे. सिनेमा का काम ये है कि वो बताए कि हमारी सोसाइटी यहाँ है और जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो उसको देखकर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या बदलना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है. कबीर सिंह एक अडल्ट फिल्म थी, वो बच्चों के लिए नहीं थी. एक उम्र होती है जब आप शायद ये नहीं देख पाते कि सही क्या है और गलत क्या है. द पावर ऑफ डिस्क्रेशन इज़ नॉट देयर एट अ यंग एज. फिल्म अडल्ट्स के लिए थी और मुझे लगता है अडल्ट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एक फिल्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं.
कि अगर हीरो एक फिल्म के अंदर गन लेके 10 लोगों को मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी वही करेंगे, या अगर एक फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी बीच में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे, या अगर एक फिल्म के अंदर कोई वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर जाके वायलेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कहानी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा कि जीवन में ऐसा होता है यार ये चीज़ें दिखानी चाहिए। सो आई थिंक सिनेमा इज़ ऑल्सो अ थेरेप्यूटिक मीडियम वेयर यू गेट टू सी थिंग्स एंड यू लर्न वाइल बींग इमोशनली अफेक्टेड बाई वॉट यू सॉ अबाउट लाइफ। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड इन वैन यू रिफ्लेक्ट लाइफ यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट ऑनेस्टली, यू के नॉट रिफ्लेक्ट इट इन अ हिपोक्रिटिकल मैनर बाई शोइंग सम थिंग्स एंड नॉट शोइंग सम थिंग्स। In a democracy and in whenever you make cinema in the true sense, you have to be able to show different types of characters. That's my understanding of acting, that's my understanding of cinema. I don't endorse anything Kabir Singh did, but that doesn't mean that it's not my job to represent him correctly, because I'm an actor. It's your job to decide what you think is right about what Kabir Singh did and wrong about what Kabir Singh did as an audience, and I leave that right to you. I don't want to tell you as an audience कि आपको ये देखना चाहिए और ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको ये नहीं देखना चाहिए। किसी भी अडल्ट को कोई नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उस इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए। फॉर विच ऑल काइंड ऑफ फिल्म शुड बी मेड। बहुत लंबा था ना? जी मस्त था। रणवीर सिंह और लड़की आँख मार रहे थे, मैं बाजू से देख रहा था, फिर उन लोगों ने मुझे भी बुला लिया तो मैं भी पार्टी में शामिल हो गया। जी मेरे दो बच्चे सो ये सब छोड़िए, नींद कंप्लीट नहीं होती है। मैं यार यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ, मैं जब मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में अकेला ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है कहीं भी पहुँचने में, तो एक पावर नैप उसमें मिल जाता है विच रियली हेल्प्स, बट नींद की कमी हमेशा महसूस होती है। मैं बहुत नर्वस हूँ यार, यू नो कबीर सिंह के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सही फिल्म होगी अगली, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, ऐसा लगता है मैं तो इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ही नहीं सकता, बिकॉज पीपल हैव लाइक्ड इट एंड लव्ड इट सो मच, आई हैव नेवर गॉट सो मच लव बिफोर, सो आई रियली डोंट नो व्हाट विल बी द राइट फिल्म टू डू नेक्स्ट। व्हाट आई विल से अबाउट जर्सी इज कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं एक फिर से एक रीमेक करूँ, मेरे मन में था कि कोई ओरिजिनल फिल्म मिले तो मैं वो करूँ, लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना और वो कहानी जब मैंने देखी वो फिल्म तो मेरे दिल को छू गई, बिकॉज हालांकि वो क्रिकेट पे बेस्ड है लेकिन वो एक 36 ईयर ओल्ड के बारे में है जिसका एक 6 साल का बेटा है जो क्रिकेटर था और अब वो छोड़ चुका है, और 36 साल की उम्र में फॉर सर्टन रीजंस वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं फिर से जाके वही करूँगा जो मुझे आता है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ और जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है विच इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट किया मैंने इस कहानी के साथ, क्योंकि मैं भी 38 का हो गया हूँ और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या, मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले लेकिन दिल खुश रहता है। तो वो फिल्म का मैसेज जो है ना वो उस टाइप का मैसेज है, तो मुझे वो एक्चुअली मैं 4 बार रोया जब मैंने वो फिल्म देखी। और ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कबीर सिंह जैसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी शांत कैरेक्टर, क्वाइट है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी और जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसे वीक मोमेंट से गुजर चुका हूँ जब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ और ट्राई करे क्या यार, अपना थोड़ा टाइम नहीं, इधर मन बन नहीं रहा है, लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो यार, मेरे को एक्टिंग आती है, आई लव एक्टिंग, आई लव मूवीज़, तो मैं ट्राई करते रहता था। और ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा आई वॉन्ट टू से दिस टू द ऑडियंस, दैट्स व्हाट जर्सी इज़ अबाउट। शायद जी अगर आप हमें बता सके कि
नहीं यार वो एक छक्का लगा था, वो क्लिप बहुत अच्छा मिल गया तो मैंने कहा इसको पोस्ट कर देते हैं लेकिन हाँ मैं काफ़ी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जब हम फिल्म करें तो हम 99% रियल सीजन बॉल से ही क्रिकेट खेलें, क्योंकि कई बार आप विदाउट बॉल शूट करते हो और पोस्ट में बॉल को डालते हो, या रबर बॉल्स होती हैं विच आर पेंटेड लाइक सीजन बॉल्स, आप उनके साथ खेलते हो, लेकिन सीज़न बॉल के साथ खेलने का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। तो हमारी कोशिश है कि वी ट्राई एंड मेक इट एज़ रियल एज़ पॉसिबल, एज़ ऑथेंटिक एज़ पॉसिबल। तो इसलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेट की और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच पाऊँ जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर लगता हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स फिल्म में आप जब भी बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो स्पोर्ट है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, बिलीवेबल लगनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट, लेट्स सी हाउ इट गोज। सर काम कर रहा हूँ सर, एक्चुअली पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मेरी 7-8 दिन के जो स्केड्यूल्स हैं वो काफ़ी हिल गए। तो मैं न्यू ईयर और क्रिसमस पे शूटिंग कर रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी लोगों का इंपॉर्टेंट टाइम ख़राब कर चुका हूँ अपनी बीमारी की वजह से। मैं अब बहुत बेहतर हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, आई एम एब्सोल्युटली फाइन बट आई हैव टू कवर अप फॉर टाइम। ऑफकोर्स दिस इज़ शाहिद कपूर विशिंग एवरीबडी ऑल द व्यूअर्स आउट देयर अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स मेक द राइट रेजोल्यूशंस दिस ईयर, लेट्स सेव द प्लैनेट दिस ईयर, लेट्स बी मोर रिस्पॉन्सिबल दिस ईयर, एंड लेट्स बी लेस क्रिटिकल दिस ईयर, लेट्स लर्न टू अप्रिशिएट। थैंक यू। प्लीज क्लोज द डोर प्लीज। पीछे हो ना पाजी, पीछे हो ना। अरे एक मिनट यार, एक मिनट यार, दो मिनट। वो वहीं पर है जहाँ पर आपको। और पीछे हो, पीछे हो। Good news. Good news. Good news. Good news. First mark. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुको रुको मैडम को रेडी हो। यहाँ पे एक मैम, यहाँ सीता मैम, मैम या 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 इस कैमरा सेंटर सेंटर ऊपर ऊपर मैडम के ऊपर नीचे नीचे भी चेस्ट में बैठे मैम, लेफ्ट में अभी सेंटर सेंटर से ऊपर आग लगा दे मैम, नेक्स्ट मार्क मैम, या मैम, मैम या मैम, यहां पर देखिए मैम, यहां पे प्रीति जी लेफ्ट में मैम, मैम यारा जी यहां पर देखिए यारा मैम, अभी ये मार्क चाहिए ना मैम, आपके राइट साइड मैम, सेंटर ऊपर मैम, यहाँ पर देखिए मैम, दिस कैमरा मैम, मैम मैम मैम, इसको देखिए इसको मैम, यहाँ पे राइट में देखिए ना मैम, यहाँ इधर देखे ही नहीं मैम, ये मैम, राइट दिस कैमरा मैम, राइट क्या जी, हां इसको देखो मैम, मैम इसको देखो मैडम, देखो मैम, मैम मैम, चलो 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 राइट साइड राइट टू वन पर कैमरा। Hello, good evening. How are you? Good, really excited because आज we're starting the season of awards with Star Screen Awards और मैं perform कर रही हूँ, कुछ interesting segment भी कर रही हूँ शायद के साथ on कबीरन प्रीति, और पहली बार मैं गा रही हूँ या बेख्याली पर, तो excited, I think 31st night जब ये air होने वाला है, hopefully people will have a great great end to 2019 and beginning to the new year. How do you look at 2019, because first we had Kabir Singh and now we are having good news, so how are you looking at it? Well, it's a very special year. I think the love that we've got for Kabir Singh has been overwhelming, and fingers crossed that the year ends on a big bang, because already I'm feeling this energy of good news that that y'all are all giving us, so very very excited for y'all to see the film. And good news ki agar hum baat kare to trailer aaya, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतना यू नो ये इस फिल्म यू नो आई हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी विच राज हैज रिटन, एंड आई थिंक वी हैड सच अ गुड टाइम मेकिंग दिस फिल्म दैट वी कांट वेट टू शेयर इट विद द ऑडियंस, एंड आई थिंक वही दिख रहा है क्योंकि द
the kind of love we're getting, that's exactly how we shot this film, with that much excitement and love. So I think that's exactly why it's getting that kind of love as well. Thank you guys. Thank you, Lakshmi ne mujhe style kiya hai, and yeah, I'll give my team all the credit. Come, thank you guys. Okay, 31st raat ko update. Thank you. Good news.